ITC ये करीब आधे परसेंट ऊपर एस्टिमेटेड करते हुए खैर सारे सिगरेट कंपनीज पर दिल्ली का विजिट के बाद नजर रखनी चाहिए। NTPC करीब एक चौथाई परसेंट ऊपर 129 पर और कुछ काउंटर्स में मैस्टेक है जो कि करीब 1.25% से ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहा है। टॉरेंट पावर करीब 2% ऊपर एस्टिमेटेड करते हुए बाकी स्टॉक्स में टाटा स्टील है, NBCC है, इन दोनों पर ठीक मुंह देखने को मिल रहा है। जुबिलेंट फूड्स करीब 1.5% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए, कैडिला करीब 1% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है और साथ ही इन्फोसिस, हालांकि जो खबर आई है वो टेरर रिलेटेड है लेकिन हाँ काउंटर फ्लैट थोड़ा। जेट एयरवेज हालांकि मामूली बढ़त के साथ DLF और अकाउंटर जो कि करीब 0.25% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। आज अब नजर डाल लेते हैं कुछ और स्टॉक्स पर जहां पर आज हमने रिकमेंडेशन दी थी, तो देख लेते हैं स्टॉक ऑफ द डे। इस समय यहां पर मजबूती का रुझान देखने को मिल रहा है स्टॉक ऑफ द डे पर और साथ ही IDBI बैंक, इस पर स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। IDBI बैंक जो LIC ने हिस्सेदारी बढ़ाई है उसके बाद इसमें करीब 2.5% ऊपर ट्रेड करते हुए 70 के आसपास का लेवल, लेकिन स्टॉक ऑफ द डे इस तरह के फ्लैट मार्केट में इस समय करीब 7% ऊपर ट्रेड कर रहा है यानी 68 के लेवल पर दीपक नाइट्राइट इस समय ट्रेड करते हुए। ओपनिंग फ्लैट है क्या, क्लोजिंग भी ऐसी ही रहेगी क्या सुब्रमण्यम? नहीं, मुझे लग रहा है आज भले ही थोड़े बहुत सुस्त कारोबार हम देखने को मिले लेकिन 7,550 इस लेवल पे डेफिनेटली एक पुल बैक आने की संभावना है, तो मेरा मानना है कि शायद आज आई वुड बी सरप्राइज अगर 30-40 पॉइंट ऊपर आज देखने को मिले बाजार।